मिड वीक एविक्शन में बिग बॉस के घर के बाहर आते ही नीरज गोयत ने लगाए बिग बॉस के ऊपर सबसे बड़े आरोप। जी हां, आपको बता दें कि शिवानी और नीरज दोनों घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे, जिसमें नीरज का मिड वीक एविक्शन हुआ। और एविक्शन होते ही जैसे ही नीरज बाहर आया, नीरज से कई सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने शिवानी और बिग बॉस दोनों को पूरी तरह से लपेट लिया और ऐसा जवाब दिया, ऐसा आरोप लगाया कि बिग बॉस के पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर यहां पर पहला मिड वीक एविक्शन हुआ और नीरज को जैसे ही घर से बाहर किया, नीरज से पहला सवाल पूछा गया कि एविक्शन को लेकर आप क्या संतुष्ट हैं या फिर नहीं, जिसमें नीरज ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। जी हाँ, नीरज ने कहा कि बिग बॉस ने चालाकी कर चीटिंग करके मुझे घर से बाहर निकाला है। जिसमें दूसरा सवाल पूछा गया कि आपको चीटिंग करके कैसे निकाला गया, जिसके जवाब में नीरज ने कहा कि मैं और शिवानी दोनों नॉमिनेट थे, बिग बॉस ने पहले सभी घरवालों से कहा कि आप वोटिंग करो, आपकी वोटिंग के आधार पर घर से एलिमिनेशन होगा, और जब सभी के सभी कंटेस्टेंट्स में ज्यादातर कंटेस्टेंट ने शिवानी को बाहर करने को कहा तो बिग बॉस पूरी तरह से फंस गए। इसके बाद बिग बॉस ने कहा घर वालों की वोटिंग आधार पर एलिमिनेशन नहीं होगा, अब मैं एलिमिनेट करूंगा जनता की वोटिंग के आधार पर, और जनता की वोटिंग के आधार पर मुझे एलिमिनेट कर दिया। जिसके बाद नीरज ने कहा कि बिग बॉस को घर के अंदर मैच्योर्ड कंटेस्टेंट नहीं चाहिए, बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस को ऐसे कंटेस्टेंट चाहिए जो बिना मतलब से लड़ाई करें, जो बिना मतलब से मुद्दे बनाएं, जो फुटेज लेने की कोशिश करें, और जो बात बात पर कुछ ना कुछ कहें और आगे आने की कोशिश करें। यानी यहां पर नीरज ने सीधा सीधा यह कह डाला कि बिग बॉस फेक लोगों को पूरी तरह से बिग बॉस के घर के अंदर रखना चाहते हैं। साथ ही साथ नीरज ने कहा कि मेरे जैसे कंटेस्टेंट जो मैच्योर कंटेस्टेंट हैं उनसे बिग बॉस को काफी कंटेंट मिलता है, कंटेंट की कमी हो जाती है, इसलिए बिग बॉस पूरी तरह से खुद ही फंस गए थे, क्योंकि बिग बॉस ने सोचा था कि सारे के सारे घर वाले मेरे खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में आपको बता दें कि नीरज ने कहा कि शिवानी जो है घर के अंदर पूरी तरह से फेक है, यहां पर अरमान, मलिक, पायल सभी के सभी झूठे नाटक कर रहे हैं, और बिग बॉस को ऐसे झूठे लोग ही पसंद हैं, बिग बॉस ऐसे झूठे लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो ये बड़ा आरोप बिग बॉस के घर के ऊपर, बिग बॉस के ऊपर लग चुका है, नीरज के पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने लगा दिया है। लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि नीरज के और भी कई सारे जब इंटरव्यूज होंगे तो उसमें वो बिग बॉस की कौन कौन सी पोल खोलते हैं। वैसे इससे पहले भी जब कई सारे सीजन आए हैं तो कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस पर बड़े बड़े आरोप लगाए ही हैं। ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।